this is me, Jolly Yadav, welcoming you back to your trusted real estate channel, Realty 360 Degree. Subscribe to our channel for latest property updates. आज की वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है, दैट इज न्यू होम वर्सेस रीसेल होम। घर खरीदते समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कंफ्यूजिंग निर्णय होता है कि घर नया खरीदें या रीसेल वाला। कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत ही क्लियर डिसीजन होता है कि उन्हें एक नया घर खरीदना है या पुराना। पर जो लोग घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं पर कंफ्यूज्ड हैं कि नया खरीदें या रीसेल प्रॉपर्टी खरीदें, तो वो लोग ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। दोनों ही ऑप्शंस के अपने अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसलिए बायर को अपनी नीड्स, प्रेफरेंस और पसंद को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए। इस वीडियो में हम न्यू होम और रीसेल होम दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, उनके फायदे और नुकसान को कंपेयर करेंगे, ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाए। सबसे पहले न्यू होम्स की बात करते हैं। नया घर खरीदने का मतलब है कि ऐसी प्रॉपर्टी परचेज करना जिसमें कभी पहले कोई रहा ना हो। नया घर खरीदने के अपने एडवांटेजेस होते हैं, जैसे आप नए घर को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवा सकते हैं, यानी कि अपने अनुसार लेआउट चुन सकते हैं, फिनिशिंग करा सकते हैं और एनी डिजाइन फीचर्स अपनी पसंद के चुन सकते हैं। न्यू होम्स आर एनर्जी एफिशिएंट, इसका मतलब ये है कि आमतौर पर नए घर को बनाते समय उनमें एनर्जी एफिशिएंट मटेरियल्स और अप्लायंसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से समय के साथ वो उपयोगिता बिलों पर आपके पैसे बचा सकते हैं। न्यू होम्स आर लो मेंटेनेंस, नए घर वारंटी के साथ आते हैं, जिसका मतलब है कि आप शुरू के कुछ सालों में एटलीस्ट कम मेंटेनेंस की उम्मीद कर सकते हैं। उसके साथ साथ नए घर लेटेस्ट एंड मॉडर्न अमेनिटीज के साथ आते हैं, जहां आपको स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी और अपडेटेड अप्लायंसेस मिल जाते हैं। ये तो हो गए सारे एडवांटेजेस, पर एडवांटेजेस के साथ साथ नए घर खरीदने के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि नया घर खरीदना आपको थोड़ा महंगा पड़ता है कंपेयर्ड टू रीसेल होम, विच कैन मेक देम लेस अफोर्डेबल फॉर सम बायर्स। नया घर अक्सर नए डेवलपमेंट और सब डिविजन में बनाए जाते हैं, जिसका मतलब है वो शहर और बाकी सुविधाओं से थोड़ा दूर स्थित हो सकते हैं, ऑल्दो ये जरूरी भी नहीं है, कई प्रोजेक्ट शहर में भी होते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज अनसर्टेन क्वालिटी। ऑल्दो नया घर एक तरह से वारंटी के साथ आते हैं, पर फिर भी उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और वहां इस्तेमाल हुए मटेरियल्स की कोई गारंटी नहीं होती कि निर्माण में अच्छी और मजबूत सामग्री ही इस्तेमाल हुई है। सो गाइज, ये तो बात हुई न्यू होम्स की, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रीसेल होम्स को। रीसेल होम का मतलब है कि वो प्रॉपर्टी जहां पहले लोग रह चुके हैं, या ऐसी प्रॉपर्टी जो कुछ साल तक किसी न किसी तरह से इस्तेमाल हो चुकी है। सबसे पहले रीसेल होम्स के एडवांटेजेस देख लेते हैं। रीसेल होम्स आर ऑफ लो कॉस्ट, नए घरों की तुलना में रीसेल प्रॉपर्टीज कम खर्चीली होती हैं, विच मेक्स देम मोर अफोर्डेबल फॉर होम बायर्स। सेकेंड एडवांटेज इज एस्टैब्लिश्ड नेबरहुड, रीसेल होम्स ज्यादातर एक वेल डेवलप्ड एरिया में लोकेटेड होते हैं, जहां पहले से ही काफी पेड़ पौधे, स्कूल, पार्क जैसी सुविधाएं मौजूद होती हैं। सो दिस बिकम्स द मेजर एडवांटेज ऑफ बाइंग अ रीसेल होम। थर्ड एडवांटेज इज दैट प्राइसेस हियर आर नेगोशिएबल, पैसों के मामले में रीसेल होम्स में ज्यादा अच्छी डील मिल सकती है आपको, यहां आप ओनर के साथ थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये तो बात हुई रीसेल होम्स के एडवांटेजेस की, अब बात करते हैं इनके डिसएडवांटेजेस की। सो बेसिकली रीसेल होम्स लीव्स यू विद वेरी लेस कस्टमाइजेशन चॉइसेस, नए घर के कंपैरिजन में पुराने घरों में आपके पास कस्टमाइज कराने के बहुत ही कम ऑप्शन बचते हैं। आप यहां लेआउट नहीं चेंज करा सकते हैं, घर में पहले से जो फिनिशिंग की गई है आपको उसी के साथ सेटल होना पड़ेगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज इज दैट रीसेल होम्स रिक्वायर हाई मेंटेनेंस, पुराना घर खरीदने का मतलब हायर रिपेयर कॉस्ट ओवर टाइम। थर्डली दीज होम्स आर लेस एनर्जी एफिशिएंट, यानी कि रीसेल होम्स में आपके यूटिलिटी बिल्स ज्यादा हाई होते हैं कंपेयर टू न्यू होम्स। सो नाउ दैट वी हैव सीन बोथ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यू होम्स एंड रीसेल होम्स, सवाल अब ये आता है कि आखिर इन दोनों में आपके लिए बेहतर क्या है। वेल, इसका जवाब मैं नहीं बल्कि आप खुद देंगे, और उसके लिए मैं आपके सामने कुछ सवाल रखूंगी जिनके जवाबों के आधार पर आप अपना डिसीजन ले सकेंगे। पहला सवाल, आपका बजट कितना है? अगर आपका लिमिटेड बजट है, देन रीसेल होम्स आपके लिए ज्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन है,
बट अगर बजट की कोई सीमा नहीं है देन आई थिंक यू शुड गो फॉर अ न्यू प्रॉपर्टी। दूसरा सवाल, हाउ इम्पॉर्टेंट इज कस्टमाइजेशन टू यू? अगर आप ऐसा घर चाहते हैं जहां चीजें आपकी नीड्स और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग हो देन न्यू होम मे बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। बट अगेन अगर आपकी ऐसी कोई स्पेसिफिक नीड्स नहीं है एंड यू कैन सेटल फॉर अ ऑलरेडी डिजाइंड हाउस देन गो फॉर अ रिसेल होम। तीसरा सवाल है, हाउ इम्पॉर्टेंट इज लोकेशन टू यू? अगर आप एक वेल एस्टैब्लिश्ड नेबरहुड में रहना चाहते हैं जहां से आपको बेसिक अमेनिटीज से इजी कनेक्टिविटी मिल रही है देन यू शुड गो फॉर अ रिसेल प्रॉपर्टी। आखिरी सवाल, हाउ इम्पॉर्टेंट इज एनर्जी एफिशिएंसी एंड मेंटेनेंस फॉर यू? अगर आप घर खरीदने के बाद उसमें ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते हैं देन न्यू होम्स आर मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट एंड लो मेंटेनेंस, हेंस गो फॉर न्यू होम्स। सो गाइज, आई होप आप एक डिसीजन पर आ पाए हैं बिकॉज अल्टीमेटली द डिसीजन टू बाय अ न्यू और अ रीसेल होम डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। घर खरीदना एक बहुत ही पर्सनल डिसीजन होता है। इनफैक्ट घर खुद हमारे लिए एक पर्सनल स्पेस है जहां आप अपनी एक दुनिया बसाते हैं, इसलिए घर खरीदने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। आराम से बैठें, सोच विचार करें, जरूरत पड़े तो किसी प्रॉपर्टी एजेंट से कंसल्ट करें और सारी इंफॉर्मेशन लेकर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। एनालाइज योर रिक्वायरमेंट एंड फाइनेंसेस एंड मेक अ फाइनल डिसीजन। होप यू लाइक द वीडियो, इफ यस देन हिट द लाइक बटन and subscribe to Realty 360 Degree for more real estate related videos. Also, press the bell icon so that you can get our videos first.